यूक्रेन पर रूस का मिलिट्री एक्शन जारी है। इसमें यूक्रेन पर रूस की तरफ से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। अब रूस की सेना ने बताया है कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी भाषा में संबोधन दिया। इस भावुक भाषण में कहा गया कि यूक्रेन के लोग और सरकार शांति चाहती है, लेकिन अगर हम पर हमला होता है, हमारे देश को हमसे छीनने की कोशिश होती है, आजादी छीनने की कोशिश होती है, हमारे बच्चों की जिंदगी छीनने की कोशिश होती है, तो हम अपना बचाव करेंगे। जब आप हम पर हमला करेंगे तो हमारा सीना देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन पर रूसी सेना का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने यूक्रेन के एयर बेस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि यूक्रेन में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होने की जानकारी मिली थी। रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि पुतिन ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। शांतिपूर्ण यूक्रेन पर हमला हुआ है, ये आक्रामकता का युद्ध है। यूक्रेन इसमें खुद की रक्षा करेगा और जीतेगा। बात यूक्रेन की करें तो वहां हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब वहां मार्शल लॉ लगा दिया है। इसके साथ ही साथ नागरिकों से रूसी हमले के बीच नहीं घबराने की अपील भी की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ दिनों से तनातनी थी, लेकिन गुरुवार सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। उन्होंने यूक्रेन की सेना से हथियार डालने का आह्वान किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में हमारी योजनाओं में यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी रूसी हमले पर प्रतिक्रिया आई है। बाइडेन बोले, इस हमले से होने वाली मौतों और तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार है। अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। दुनिया इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराएगी। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। यूएन में चीनी राजदूत जेंग जू ने कहा कि संयम बरतकर टेंशन को ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।